Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today again we will talk about meditation and we will talk about the real nature of meditation. Many people say we should meditate about somebody or we should meditate about some deity or Krishna, Ram, Buddha and like Durga, Ma Kali, etc. etc. Now, we have to explore whether the real meditation is to meditate about these deities or there is some other kind of or the real nature of meditation. Because some guru says the real nature of meditation is to meditate or to go deep inside oneself and there we can have the real taste of meditation. Sharmaji, what is the real nature of meditation? लोग बोलते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए है ना. बहुत से गुरु बोलते हैं कि आप जैसे इस्कॉन वाले हैं, वो कहते हैं आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, ठीक है, और वही रियल ध्यान है. कृष्ण का ध्यान ही रियल ध्यान है, बाकी सारे ध्यान वो कोई ध्यान नहीं है. जो बुद्धिस्ट हैं वो उनकी कुछ कोई और पद्धति है, विपश्यना है जैसे, ठीक है. कबीर कुछ और बोलते हैं ध्यान और सबके विषय में, ठीक है. बहुत से लोग कहते हैं नहीं देवी माँ का ध्यान करो तो आपको शक्ति मिलेगी, है ना, आपको कृपा मिलेगी. बहुत सारी अवधारणाएं हैं प्रचलित, ठीक है. तो आज योगिक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो ध्यान का जो असली स्वरूप है, ठीक है, कि ध्यान कहते किसको है, ठीक है, और किसका ध्यान करना चाहिए, ठीक है, आज ये स्पष्ट करें. ध्यान की जो यौगिक विज्ञान में जो आध्यात्मिक लाइन ये कहती है कि ध्यान जो है जब किसी का हम करते हैं तो ध्यान पहले तो ये सिस्टम से लाते हैं कि हम किसी चीज़ को आँखों से देखें या किसी स्पर्श से देखें. इंद्रियगत ज्ञानों से हम उसको ये चीज़ देखते हैं कि भाई इसका ध्यान करना चाहिए. अगर हमें बताया जाता है तो कि भाई इसका ध्यान करना चाहिए तो हम पहले इंद्रियगत ज्ञानों से उसे अपने में कलेक्ट करते हैं, ले लेते हैं. फिर हमें ये बताया जाता है कि हम इसका ध्यान करेंगे. तो अगर हम इसका ध्यान करेंगे भी तो ये तो हम अपने में केंद्रित हैं ये चीज़ें जिनका हम ध्यान करने जा रहे हैं. मगर अगर हम ध्यान किसी का करते भी हैं तो ये ध्यान से हमें क्या लाभ होगा कि हम ध्यान कर रहे हैं किसी का. तो जब तक हमें लाभ नहीं होगा तो हम ध्यान करें क्यों. तो ध्यान की एक सीधी एक पद्धति ये कहती है कि जब कोई भी केंद्र में अपने मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार और जितनी इंद्रियगत ज्ञान है, ये जितनी कर्मगत ज्ञान इंद्रिय कर्म गति वाली जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सभी आपकी एकाग्र होकर के किसी भी एक जगह पे जाके कहीं न कहीं तो रुकें. और जब ये रुकें तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा हमारे शरीर पे कि जो चेतन शक्ति है, हमारी भी अपनी एक चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति को बल मिलता है और वो शक्तिशाली होती है. तो जितनी जिसकी जो जितना ज़्यादा ये सभी चीज़ों को एकाग्र कर ये ध्यान करेगा, वो अभी कहीं भी करें, अभी ये विषय नहीं हम स्पष्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ कर रहा है, मगर अगर वो कहीं भी करेगा, कृष्ण भगवान का भी करेगा या किसी चीज़ का भी करे या बाहर वाले किसी भी केंद्र का करे या जो चीज़ मौजूद हैं प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं उन चीज़ों का ध्यान करे, तब भी वो व्यक्ति अपनी चेतना को बल मिलेगा और उसकी चेतना मजबूत होगी. चेतना अर्थात शक्ति, तो शक्ति का अर्थात यह है कि गति, और गति का अर्थात यह है कि वो शब्द. तो वो जो तीनों चीज़ें उसको ध्यान की प्रोग्रेस हमारी डेवलप होंगी. अब डेवलप होने का क्या है उसका तरीका कि पहले वो स्लो हैं और फिर स्लो के बाद में वो पहले वो धीरे चल रही हैं और धीरे चलने के बाद वो कुछ टाइम के बाद वो हमने ये पहले स्पष्ट कर दिया कि बहुत तेज गति में चलती हैं. तो यही ध्यान की एक प्रक्रिया है कि वो ध्यान में पहले तो धीरे चलती हैं,
अगर आपने धीरे धीरे ध्यान किया, अपना स्टार्ट किया और आपको बल मिला तो तेज गति आई, तो आपकी रफ्तार आ गई। किस चीज़ की रफ्तार आ गई? शक्ति शब्द और गति की रफ्तार आपकी आ गई। तो ये चीज़ आपको हासिल हुई, ये हासिल हुई आपको ध्यान से। अब वो कौन से ध्यान से हुई थी? बाहर गति से कृष्ण भगवान का ध्यान किया, वो कहाँ का ध्यान किया, वो एक चीज थी। मगर अब हमने बाहर का अगर ध्यान किया है कि कृष्ण भगवान का या किसी भी गुरु का या कहने से हमने किसी का ध्यान किया है, तो हमें ये देखना होगा कि हमने कितने बड़े एक आकार का ध्यान किया है और कितने शक्तिशाली का ध्यान किया है। कि जैसे छोटी सी बम होती है, उसका आकार छोटा होता मगर फूटने के बाद वो बहुत शक्तिशाली होती है। तो मैंने ऐसे कौन से आकार का ध्यान किया है जो देखने में तो वो आकार छोटा है मगर वह है शक्तिशाली? या मैंने किसी ऐसे आकार का ध्यान किया है कि वो तत्व रूपी है, तो जल अग्नि वायु है, मैंने ऐसे का ध्यान किया है? तो ध्यान करते करते अगर हमारे वहाँ ध्यान हमारा बिल्कुल सारे केंद्रित होकर एकाग्र तो ध्यान भी लग जाएगा, तो अंततः हम उस ध्यान को परिपक्व करेंगे तो हम वहाँ पे एक शक्ति तक जा सकते हैं। और जहाँ पे जो शक्ति है उसी तत्व की, तो उस शक्ति का हम कोई प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस शक्ति का केंद्रित वो है और हमारी भी शक्ति मजबूत हुई एक ध्यान से। तो इसीलिए मजबूती के साथ मजबूत चीज को पकड़ा जा सकता है। तो किसी भी जैसे उसी तरीके की एक इस ब्रह्मांड में गणित है कि एक छोटी सी चीज़ को छोटे से औजार से पकड़ा जा सकता, बड़ी चीज़ को बड़े से पकड़ा। तो शक्ति चीज़ को आपने, आप भी मौजूद थे अपनी उधर सामने शक्ति में, इसलिए शक्ति आपकी पकड़ में आ गई। अब मूल को नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि शक्ति आपके शक्ति से पकड़ गई, आपके ध्यानस्थ शक्ति से पकड़ गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप मूल में चले जाएंगे क्या? आप आत्मा जो अंडाकार है, आप उसमें जाएंगे? उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नीचे उतरने का कोई भी मेथड नहीं है। ऐसी हालात में अब आपको अगर मूल का में आपको अनुभव करना है, तब आपको अपने केंद्र को चुनना पड़ेगा कि मैं अपने केंद्र को चुनूं, और अपने केंद्र को चुनने के बाद मैं अपने में ध्यान करूं, और अपने केंद्र में जा करके सबसे पहले जीव आत्मा जो चतुर्भुजाकार है, मैं उसका पहले अनुभव करूं, फिर उसके बाद में स्टेप है, तीनों स्टेप हैं, तो वो ऊपर की ओर चलते हैं। तो वो पहले लेटी हुई है, तो वो है आपकी जीव आत्मा, और फिर वो चित्त जो है, और फिर उसके बाद में जो एक सामने बैठे जैसी होगी, तो वो चीज़ एक आपकी आत्मा अंडाकार है, और जो आपके ऊपर की ओर से जो नियंत्रण हो रही वो आपका परमात्मा है। तो आप स्टेप से ऊपर को चले गए, तब आपको शक्ति वो पकड़ में शक्ति भी पकड़ में आ जाएगी, मूल भी पकड़ में आ जाएगा। मगर आपने किसी तत्व के जरिए दूसरी जगह जाके केंद्रित बना के दूसरे के केंद्र में अगर ध्यान किया, तो अंततः आपको शक्ति ही मिलेगी। केंद्र में जा सकते नहीं, मूल में नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे उतरने की वहां जगह नहीं है, वहां नीचे उतरने का कोई फार्मूला नहीं। ऊपर चढ़ने की तीनों स्थिति में ऊपर चढ़ने का तो फार्मूला है, मगर नीचे उतरने का फार्मूला नहीं है। तो इसलिए वहां पे ऐसे ध्यान की जो स्थिति है वो इस वक्त यौगिक साइंस और इसकी माध्यम से आपको जो बताई गई है, वो बाहर की क्या ध्यान है और अंदर की ध्यान क्या है, इस ध्यान से आपको हासिल क्या होगा, क्या मूल में जा सकते हैं, क्या शक्ति हासिल कर सकते हैं। बाहर रहेंगे तो शक्ति हासिल, अपने में रहें तो मूल में जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं यौगिक विज्ञान की तरफ से, आध्यात्मिक लाइन की तरफ से आपको ये बताई गई हैं। बाकी किसी भी महात्मा और किसी भी गुरु या किसी भी तरीके का किसी का विरोध करके अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो आपके हित में नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ध्यान में आपका गड़बड़ ये हो रहा है कि एक ही पर ईश्वर एक ही ऊपर वाले को मान करके नीचे वाले को मान करके, खैर हम तो नहीं मानते, मगर एक ही परमात्मा को अगर मान करके तुम कोई आदमी अगर ध्यान में ये कहता है कि वो उसका ध्यान नहीं करना चाहिए, इनका करो, तो आप कहीं ना कहीं आप टुकड़े कर रहे हैं, किसी एक के आपने दो टुकड़े कर डाले हैं। तो एक को आपने अपनाया है, दूसरे को आपने नकार दिया है। तो ये चीज़ भी इस ब्रह्मांड में सही नहीं है।
आपके हित में नहीं जाएगा, ये विषय आपके हित में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो सब चीज आपको धारण करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप अपने में पूर्ण माने जाओगे। पूर्ण से पूर्ण को पकड़ा जा सकता है, अधूरे से पूर्ण को कभी नहीं पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए ये गति आपको लानी पड़ेगी है। तो जैसे वो शिव जी जी हैं, नाग और ये सब गले में डाले हुए, जितनी विश्व की चीज़ें हैं, जितनी आपकी पृथ्वी लोक की जितनी चीज़ें जिनसे लोग भय खाते हैं, वो सब उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, उनको उन्होंने उनको शरण दी हुई है। तो ये इसलिए एक संदेश देना चाह रहे, मगर ये संदेश कोई जगत का प्राणी लेना नहीं चाह रहा है। तो वो अपने नज़रिए से, जैसी उसकी नज़र है, जैसी उसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि, वो अपनी दृष्टि से जो देख रहा है बस उसी उसकी सृष्टि उसी तरीके की बनी हुई है। जबकि वो ये चीज, ये संदेश सीधा सीधा दे रहे हैं कि हमने सब चीज़ धारण कर रखी है, अच्छा भी हमारा बुरा भी हमारा, ये संपूर्ण स्थिति है। तो संपूर्ण को संपूर्ण से पकड़ना आसान है, अधूरे से संपूर्ण को पकड़ना मुश्किल है। ये सिस्टम हमारे जो है यौगिक विज्ञान में बताता है, और हमारा ये आध्यात्मिक तरीका भी यही बताता है, जो ध्यान का तरीका है। ओके, वी कैन कैटेगराइज द मेडिटेशन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज द मेडिटेशन अबाउट समथिंग एक्सटर्नल, ओके, एंड वॉट एवर इज एक्सटर्नल इट हैज़ इट्स ओन सेंटर, ओके, एंड दिस सेंटर इज द सेंटर ऑफ इट्स पोटेंशियलिटी और शक्ति। So we can meditate about others or external object, and in turn we can get the potentiality of that external object where we are or about which we are meditating. Suppose we meditate about Lord Krishna. Now this this entity Lord Krishna, it has its own center. Okay, and if we meditate about that center, then the some qualities or some shakti or potentiality of that center can transpire to us, and we can feel that energy, right? So we will also be enriched by the energy of Lord Krishna. But that energy is coming from the center of potentiality or the center of shakti. But this is not the center of everything. This is not the mool principle, the basic principles. Now, if we meditate about ourselves or we go deep down in ourselves, then we can catch hold of the center of everything. And that is the main center. This is not the center of shakti, potentiality, but this is the center of the whole cosmos, of everything. So this we can approach through the internal meditation, not external, internal meditation, to go deep inside oneself, and from there we can catch hold of the origin of everything. So meditating about something, we can get the shakti, the potentiality, the qualities, but we cannot get into the origin of everything. It can take place or it is possible only when the meditation is internal, or we can go deep inside ourselves to reach to a state where we find the origin of everything. So in this way we can categorize the meditation in two categories, external meditation and internal meditation. And a person can get the complete idea, the complete glimpse of the origin if he knows both. He has the idea of the external meditation as well as the internal meditation, and the complete idea or the complete practice can get you the complete idea of everything. So from complete we can extract the complete, right? So we should have both type of meditation, the external meditation and internal meditation, so that we can understand the whole picture of dhyan or meditation. Hopefully
you must have understood this. And if you are not getting it, then keep watching these episodes over and over again, and we will be coming up with some more episodes on meditation, on dhyan. Thank you.